हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत प्यारा ट्रेडिंग सेटअप है और ये आपको इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा चैनल पेज नया है, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है, और कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा या क्या नहीं पसंद आया, ताकि अपन सुधार कर सकें। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग तो आज हम लोग देखेंगे कि देखो RSI ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है दोनों। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल जाएंगे इंडिकेटर में, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के आपको टाइप करना है RSI आ जाएगा। हमारा चार्ट पे प्लॉट है, आप लोग प्लॉट कर लेना, कोई सेटिंग नहीं करना, जैसा है वैसे ही। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई EMA वगैरह नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ। ओके, आपको क्या करना है, सिंपल, एकदम हम लोग सिंपल लगते हैं, कोई इसमें कटर पटर नहीं, एकदम अच्छे वाला बात। देखो, जब भी, याद रखना, मैं बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट को याद रखना, जब भी मार्केट, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, जब भी मार्केट में RSI 15 मिनट में और 5 मिनट में एक साथ रेड लाइन को ग्रीन लाइन क्रॉस करे, एक साथ, वर्ड याद रखना, एक साथ रेड लाइन को ग्रीन लाइन क्रॉस करे तो ट्रेड बनाना है। पहली बात याद रखिए, एक साथ है आपको जो है सो, एक साथ रेड लाइन को ग्रीन लाइन जब क्रॉस करे तो हमें ट्रेड बनाना है। अब यहां पे बात आती है कि एक साथ नहीं क्रॉस करे तो क्या करना है, दो कंडीशन है। तो दूसरा वाला जो कंडीशन है, मान लो कि यहां पे ये क्रॉस हो गया, 15 मिनट में तो ये क्रॉस नहीं हुआ, अगर आप देखोगे तो यहां पे आए, तो अगर एक साथ क्रॉस नहीं हुआ उस केस में 15 मिनट के क्रॉसिंग के बाद जब RSI रिटेस्ट करने जाएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे। अब यहां पे देखो सिचुएशन, ये 5 मिनट में तो क्रॉस हो गया लेकिन 15 मिनट में क्रॉस नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में सिंपल आपको क्या करना है कि यहां पे जब मार्केट 15 मिनट में नीचे आया, फिर जब रिटेस्ट करने गया, मतलब कि ये नीचे आके जब रिटेस्ट करने गया तो यहां ये क्रॉसिंग हो गई, अब यहां पे जा करके अब ये जब नीचे आने लगेगा तो हम यहां पे ट्रेड यहां पे कहीं पे या इधर कहीं आपको बना लेंगे, या इस लो के क्रॉसिंग पे आप ट्रेड बना लोगे। ओके, अदरवाइज आप यहां पे भी ट्रेड बनाते हो तो भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपका यहां पे 15 मिनट में क्रॉसिंग हो गया, अब ये रिटेस्ट है, ये वाला कैंडल रिटेस्ट है, इसके बाद आप ट्रेड बना लो, आपको डेफिनेटली एक बहुत शानदार पॉइंट मिलेगा। कहां तक, तो ये ग्रीन वाला लाइन जो है सो इस 30% तक आना चाहिए। इस केस में अगर आपने यहां से ट्रेड बनाया तो आपको मिल गया 125 पॉइंट। क्लियर है बात, एकदम गांठ बांध लेना। अब बात आती है, यहां पे देखना आप, यहां पे RSI क्रॉस कर गया लेकिन यहां पे 15 मिनट में RSI क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब यहां पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है। आपको दिखाया जा रहा है लेकिन बायर है ही नहीं, आपको दिखाया जा रहा है बायर नहीं है, यहां पे सिंपल क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इस लेवल पे जो बायर है, इस लेवल पे जो बायर है उसके डर से जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट को पहले सेव करने की कोशिश करता है और बायर और ठेल देता है ऊपर तक, यहां तक आ गया। ओके, अब यहां पे आने के बाद फिर ध्यान देना है आपको कि अब ये यहां तक गया तो अब यहां ट्रेड आपको नहीं बनाना है, अब इस चीज को ध्यान रखना है, दिन में 25 ट्रेड नहीं करना है, सिंपल एक या दो ट्रेड करना है और वो दो ट्रेड आपको दिन भर में आपको हर दिन देगा, इस चीज की गारंटी है मेरी, और इससे बढ़िया कोई सेटअप भी नहीं है। अब मैं ये भी बता दूं कि इससे बढ़िया भी सेटअप नहीं है। अब आओ, यहां पर क्रॉस कर गया 15 मिनट में लेकिन ये वाला क्रॉस तो नहीं किया, ये यहां पर गया तो अब यहां पे पहले ये क्रॉस हो गया, ये बाद में क्रॉस हो गया है, तो हमने बोला है कि अब इसको रिटेस्ट करने दो, जब रिटेस्ट करने गया लेकिन रिटेस्ट नहीं कर गया, नीचे क्रॉस कर दिया, नीचे क्रॉस कर दिया, यहां पे देखना, जब नीचे क्रॉस किया तो सीधे दोनों एक साथ क्रॉस किया, इसका मतलब यहां पे सेलर हावी है और यहां पे सेलर स्ट्रांग है, तो यहां पे हम सेल कर देंगे। और ये जो दो ग्रीन कैंडल आ रहा है ना, ये यहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है
तो हमने तो देखो अब यहां पे ध्यान रखना, सेल तो तुमने यहां किया है क्योंकि ये दोनों एक साथ क्रॉस किया है, तो तुमने सेल तो यहां किया है, तो डरने का नहीं। प्रीमियम के चार्ट पे जरूर आपको डरा देगा, ऑप्शन के चार्ट पे डरा देगा, प्रीमियम के चार्ट पे डरा देगा, लेकिन यहाँ पे इस चार्ट पे नहीं डराएगा वो। तो ये स्मार्ट मनी क्या करता है कि जितने लोगों ने यहाँ इसको देख के सेल किया है, पहले उनका सारा कैसल खाएगा फिर नीचे आएगा, वही हुआ ना, सब कैसल खा गया अब फिर ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये जब एक साथ क्रॉस करे तो एकदम निधड़क होकर आपको ट्रेड बनाना है, याद रखना दोनों एक साथ क्रॉस कर रहा, ऑलमोस्ट ये एक साथ क्रॉस किया है, इसका ये मतलब हुआ यहां से पकड़ना, वहां छोड़ दो आप, यहां से पकड़ो, यहां पे रखोगे 15 के चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट है। तो यहां एक साथ क्रॉस किया मतलब सेलर यहां पे एक साथ पोजिशन है, बड़ा पोजिशन बन रहा है यहां पे। और अगर आप वॉल्यूम लगा दोगे यहां से, वॉल्यूम नहीं मिलेगा आपको यहां पे, इस चार्ट पे नहीं मिलेगा, तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसको हटा दो, वो सब चीजों को अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन सिंपल एकदम सिंपल रखते हैं इसको। तो यहाँ पे जब दोनों एक साथ क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि एक बड़ा पोजीशन यहाँ बन रहा है और सेलर यहाँ हावी है और सेलर ने इसको नीचे लेके आ गया, और यहाँ पे यही सेलर आप सबका माल छीनने के लिए फिर से गया और सबका एसएल काट दिया, और फिर ये धराधर धराधर नीचे आ गया। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे तो आपको कितना ट्रेड यह दिया, पहला ट्रेड दिया आपको यहाँ पे, ये वाला ट्रेड छोड़ दो आप, हमेशा आप दिन में 25 ट्रेड करोगे मरोगे, हम उसकी जिम्मेदार नहीं है। दूसरा ट्रेड आपको यहां मिल गया और दोनों में कितना पॉइंट मिला, तो यहां से पकड़ के चलोगे तो आपको 100 पॉइंट यहां मिल गया और अगेन आपको यहां से 100 पॉइंट मिल गया, 200 पॉइंट मिल गया निफ्टी में, 200 पॉइंट एक दिन में बहुत होता है। अब आ जाओ आगे, आगे अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो यहां पे देखना जरा ध्यान से, यहां पे क्या देख रहे हो कि बायर इसको कंट्रोल किया है। क्यों बायर कंट्रोल किया है, क्योंकि आरएसआई में दोनों एक साथ क्रॉसिंग है। शायद ही आपको कोई पूरे यूट्यूब में ये वीडियो बताएगा, बहुत सारे लोग अपने कोचिंग में इसको इंक्लूड करेंगे, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना ध्यान से और कमेंट करके बताना अगर आपको दिन में दो ट्रेड नहीं मिले तो, तीन ट्रेड भी मिल जाएगा लेकिन दो ट्रेड तो पक्का है। ठीक है, अभी साइडवेज का भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे दोनों एक साथ क्रॉस किया मतलब बायर स्ट्रांग है। अब ये मार्केट जब यहां पे आया, लेकिन आरएसआई में देखो, आरएसआई 15 मिनट में कुछ हुआ मतलब एक रिटेस्ट है, तो हम इसके ऊपर बाई करके ही चलेंगे, हमारा जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक हमारा रहेगा। और जैसे ही ये क्रॉस, जैसे ऊपर से हमने सेल करके आया हूं, मैं यहां सेल करके आया और यहां क्रॉस कर गया, तो अपना पोजिशन कवर कर लेंगे, खत्म बात, हमें इतना ही मिलना था मिल गया, क्योंकि ये क्रॉस कर गया है ना, रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है, क्रॉस करके नीचे भी आ सकता है, रिटेस्ट करके ऊपर। अब जैसे यहाँ क्रॉस किया तो आपको यहाँ से कितना पॉइंट, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट देना ही पड़ेगा ना, 50 नहीं 28-30 पॉइंट देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है, उतना तो देने के लिए हम तैयार है, उतना तो अपना प्रॉफिट का 28-30 पॉइंट, 100 पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट यहाँ मिल गया, बहुत हो गया। और यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल गया जो कि आपको यहाँ तक लेके गया, 100 पॉइंट यहाँ भी ऑलमोस्ट है, 100 पॉइंट नहीं मानेंगे हम यहाँ, क्रॉसिंग पे हम मान लेंगे, क्रॉसिंग पे हमारा बुक होगा, तो क्रॉसिंग पे अगर बुक होगा तो 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो 300 पॉइंट एक दिन में मिल गया। अब पीछे चलो, आ जाओ पीछे, यहां पे आ जाओ, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, चलो आ जाओ। अब हम लोग एक दिन पीछे के चलते हैं चार्ट पे, निफ्टी का चार्ट है, ओके। अब यहां देखना, इस पॉइंट पे आप आ जाओ, यहां पे, यहां पे, अब यहां पे क्या देख रहे हो आप, यहां पे ध्यान देना आप, बहुत ज्यादा जरूरी वाला ये वाला कंसेप्ट है। यहां पे 15 मिनट में एक क्रॉस कर रहा है, मतलब 5 मिनट में क्रॉस कर रहा है, लेकिन 15 मिनट अभी भी दूर है, तो दूर है तो हमें रिटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पे जब रिटेस्ट के बाद, मतलब अब जैसे यहां पे देखना आप, यहां पे क्या हुआ कि 15 मिनट के रिटेस्ट के बाद गए, तो कई बार 15 मिनट रिटेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कई बार 5 मिनट में रिटेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर 15 मिनट में रिटेस्ट के लिए इंतजार करोगे तो ये ट्रेड आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब 5 मिनट में जब ये रिटेस्ट पे आया, जब निकला, तो क्या हुआ, तब यहां पे आपको 100 पॉइंट मिल गया। कितने पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट नहीं, हम 118 मतलब 100 हम पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि अब हमें यहां पे जो है ये क्रॉसिंग करने का इंतजार करेंगे ना हम। तो अब जैसे यहां पे देखो, कोई ये क्रॉस करे, जैसे 15 मिनट में ये क्रॉस कर गया, 5 मिनट में क्रॉस नहीं कर रहा, तो 15 मिनट में क्रॉस कर गया, तो चाहे 5 मिनट में क्रॉस करे चाहे 15 मिनट में क्रॉस करे, सेलिंग के टाइम पे, पोजिशन बुक करने के टाइम पे हम वहां बुक कर लेंगे, यहां इंतजार ज्यादा नहीं करें, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट पूरा चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे पट से बुक कर लेना है, और यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉस किया हमको बुक कर लिए, ओके। अब जब यहाँ पे आए इस पॉइंट पे, हमें इस पॉइंट पे, चूंकि आपको यहाँ 100 पॉइंट मिल चुका है, अब यहाँ पे ये दोनों जब एक साथ क्रॉस, यहाँ पे देखो, यहां से जब ये नीचे आया
तो ऑलमोस्ट ये जो है जब ये नीचे आया तो आपका इस कैंडल में या इस कैंडल में आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हो। कारण क्या है कि चूंकि ये दोनों ऑलमोस्ट जो है सो रिटेस्ट के बाद ये कैंडल में ये रिटेस्ट हो गया, उसके बाद नीचे आ रहा तो यहां तक का है, लेकिन ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगा, बहुत मतलब फास्ट ट्रेड करना पड़ेगा, तो आपको यहां से 50 पॉइंट मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो भी जाएगा, कोई इशू नहीं हमें। अब आ जाओ, अब यहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा, अब आपको यहां पे इंतजार करना पड़ेगा, तो आप इंतजार कीजिए। यहां पे जब ये क्रॉसिंग हुई, जब यहां पे गया और जब क्रॉसिंग, लेकिन 15 रुपए क्रॉसिंग नहीं हुई है, देख लो आप, तो जब 15 रुपए क्रॉसिंग नहीं हुई तो हमें क्या है यहां पे कि आपका अब ये धीरे धीरे जा रहा है, मतलब आपका बहुत बड़ा पैसा नहीं बनने वाला। ये कितने पॉइंट का है, ये जो है 114 पॉइंट का है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट में अब यहाँ पे जैसे क्रॉसिंग हुई, अलग अलग टाइम पे क्रॉसिंग हो रहा है, तो हमें यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, तो 5 मिनट में आपको ये रिटेस्ट मान के चल रहे हो, या 5 मिनट में इसको रिटेस्ट, इस वाले पॉइंट को रिटेस्ट, इस कैंडल को रिटेस्ट मान के चल रहे हो, तब आपको यहां तक का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहां तक का टारगेट भी नहीं रख सकते हैं। तो आपने यहां पे क्या किया, यहां पे इधर कहीं 5 मिनट में आपने रिटेस्ट पे बाई कर लिया है, 15 मिनट में अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो 15 मिनट की अगर रिटेस्ट के लिए अगर हम इंतजार करेंगे तो हमें ये ट्रेड नहीं मिलेगा। जाने तो नहीं मिला, आपको एक ट्रेड मिल गया, दूसरा ट्रेड मिल गया ना, इसको छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या आपको बहुत ज्यादा मन है ट्रेड करने का तो यहां से एक ट्रेंड लाइन डाल दो, जब भी ट्रेंड लाइन पे आए तो बाई करके चलो, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड यहां बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अब यहां से फिर ये आया नीचे, तो अब 15 मिनट में देखो आप कि यहां से ये नीचे तो आ रहा है, यहां से ये दोनों अब एक साथ क्रॉस नहीं कर रहा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये दोनों क्रॉस कर रहा है, तो हमें रिटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पे जब ये रिटेस्ट आया तो हम यहां इसको सेल तो करेंगे, सेल तो करेंगे यहां पे, लेकिन आपको यहां पे एसएल जाएगा, तो एक एसएल यहां पे चला गया आपका, क्लियर है। अब यहां पे जनरली क्या होता है कि मार्केट का जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड में एक साथ ज्यादा जल्दी क्रॉस करता है एज कंपेरिजन टू द अपोजिट ट्रेंड, ओके। तो अब आओ आप, फिर हम लोग आ जाते हैं, आपको यहां पे भी 200 पॉइंट मिल गया। अब आते हैं हम लोग 26 तारीख में, कितना लंबा वीडियो हो गया, 12 मिनट का, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग 26 तारीख में, आओ इधर भी आ जाओ 26 तारीख में। यहां पे आपको बड़े प्लेयर की पोजीशन बता देता है कि बड़ा प्लेयर क्या करना चाह रहा है। अब जैसे यहां पे देखो 9:15 मार्केट खुला, मार्केट में क्या देख रहे हो कि ये दोनों नीचे है, तो बाई तो करेंगे नहीं हम जब तक ये ऊपर ना जाए। अब यहां पे एक क्रॉसिंग हुआ है, यहां पे एक क्रॉसिंग हुआ है, लेकिन 15 मिनट में आरएसआई में क्रॉसिंग नहीं हुआ है, तो 15 मिनट में हमें रिटेस्टिंग का इंतजार करना पड़ेगा, चाहे 5 मिनट में मिले चाहे 15 मिनट में मिले। तो यहां पे देखो आप क्रॉस करने से बाद में भी, जैसे यहां पे देखो क्रॉस करने के पहले ये रिटेस्टिंग है, दोनों एक साथ रिटेस्ट कर रहा है 5 और 15 में, और यहां पे जब ये निकाल रहा है तो अब यहां पे हम बाई करेंगे। यहां पे जब आप बाई करोगे तो आपको, आप मान लो इधर कहीं बाई करोगे तो आप कैसे लाने का डर रहेगा, डरोगे, लेकिन यहां पे अब क्लियर है कि अब यहां टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे क्रॉस कर रहा है ना, तो रिटेस्ट का इंतजार करना है चाहे 5 मिनट में चाहे 15 मिनट में, और एक साथ क्रॉस कर रहा है तो तुरंत पोजीशन बनाना, सोचना नहीं है। अब यहां पे देखो अलग अलग टाइम पे क्रॉस किया है, यहां रिटेस्ट हो गया, अब इसको पोजीशन बना लो, कहां तक, जब तक कि ये मतलब कि ओवरबॉट जोन में नहीं जाता है। तो यहां से आपको ये ऑलमोस्ट जो दे दिया है वो आपको 130 पॉइंट का दिया है, तो 130 पॉइंट में से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी हमें 100 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। अब फिर ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में यहां पे देखो आरएसआई में तो नीचे नहीं आया है, 15 मिनट में जब भी जाएगा तो हम वहां बाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जब ये यहां से ये जो बाइंग आ रही है ना, ये वाली बाइंग, तो आप यहां पे क्रॉसिंग पे बाइंग करोगे आप, तो यहां से आपको 25-30 पॉइंट मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ठीक है जाने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें आपको एक बड़ा ट्रेड यहां तो मिल गया है, एक दिन में एक ट्रेड भी मिल गया सही सलामत तो बहुत होता है। आप कई कई बार तो दो दो तीन तीन रिवर्सल का ट्रेड दे देगा, आप कहे घबरा रहे हो। जैसे अभी यहाँ पे आपको 3 ट्रेड मिल गया था ना, यहाँ पे 3 ट्रेड मिला ना, ऊपर मिला नीचे भी मिला, फिर यहाँ पे नीचे मिल गया, 3 ट्रेड मिल गया। तो कई बार आपको नहीं मिलेगा, कई बार मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा। जैसे इस जोन में, इस जोन में मार्केट साइडवेज हो गया ना, तो अब ये क्रॉसिंग काम नहीं करेगा, या छोटे छोटे आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेंज में है। तो रेंज में जब भी मार्केट रहेगा तो ये सही से काम नहीं करता है, या वहां पे आपका मल्टीपल एसएल होगा, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहां पे देखना कि ये 5 मिनट में क्रॉस कर रहा, 15 मिनट में क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से बाइंग आ गई है, तो ये साइडवेज मार्केट है। ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, साइडवेज मार्केट है वैसे भी, ये नीचे चल रहा है, ये भी नीचे चल रहा है। तो अब नीचे तो जैसे यहां पे देखोगे आप, तो
तो यहां पे अभी क्रॉसिंग नहीं हुआ है, जैसे इस पॉइंट पे देखोगे इस पॉइंट पे तो क्रॉसिंग एक साथ तो हो। अब यहां पे थोड़ा सा है कि एक पोजीशन यहां तक के लिए हम बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये वाले टाइम फ्रेम में ये दोनों लगभग लगभग एक साथ क्रॉस कर रहा है, आपका ऐसा यही रहेगा, तो मुश्किल से आपको 30 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड करना, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हटाओ जाने दो। अब यहां पे ये देखो ये क्रॉसिंग जो हो रहा है, ये गया ऊपर, ये रिटेस्ट, फिर गया ऊपर और ये रिटेस्ट, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 15 में अभी क्रॉस नहीं हुआ है। अब यहां से जब ये चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी यहां पे बन गया, सॉरी इसको मिटा दो हम थोड़ा सा, यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी मिल गया आपको ये, ओके। और यहां पे देखोगे डबल रिटेस्ट के बाद में यहां पे क्या है, सबको एसएल खाया है मार्केट, यहां पे फिर ले गया फिर डब कर दिया, एसएल खा गया। अब यहां से ये दोनों जब एक साथ निकल रहा है तो हम यहां पोजीशन बनाएंगे, और बड़ा प्लेयर भी यहां इंटर कर गया है, बस बना लो पोजीशन, आप ले जाओ जहां तक ले जाना इसको, बढ़िया आपको मिल गया 100 पॉइंट मिला ना। तो ये होता है, ये मतलब अच्छा इंडिकेटर है, आपको सही पोजीशन बना देता है, सही टाइम पे पोजीशन बनाने को बता देता है आपको। अब आ जाओ और थोड़ा सा इसको रिटेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ये किस तरीके का मार्केट है, ये मार्केट है 24 जून का, ओके। मार्केट ये खुला नीचे, अब ये नीचे है तो अपन को पोजीशन नहीं बनाना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि नीचे है तो पोजीशन नहीं बनाना है, ओके। हम थोड़ा सा कितना टाइम हो गया इसको, 20 मिनट से ज्यादा का नहीं गया, तो कुछ दिन का और अपन रिटेस्ट कर लेंगे। चलो अब यहां से ये भाग रहा है तो लोग पोजीशन बनाएंगे, फिर डंप कर देगा, सुबह सुबह सबका एसएल खाएगा, तो दिमाग का दही काय करना। 24 जून क्या है, 24 जून को मंडे है, तो दो दिन के बाद मार्केट आया, सबको ऊपर नीचे करेगा, निकालने दो, पहले शांति से बैठो आप, सुबह उठते ही ट्रेड नहीं करना। और आरएसआई बता भी नहीं रहा आपको ट्रेड करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, दोनों नीचे है तो क्या हम शॉर्ट कर देंगे, क्या शॉर्ट भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये रिटेस्ट देखो आप शॉर्ट कर सकते हो इसलिए, क्योंकि ये नीचे आया है और इसमें 5 मिनट में ये रिटेस्ट करके नीचे आ गया, अब यहां से ये ऊपर जा रहा है। मार्केट का ट्रेंड देख लो, ट्रेंड के साथ काम करोगे तो ये ज्यादा पैसा देता है एज कंपेयर टू द अगेंस्ट द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड पॉजिटिव है, दोनों एक साथ क्रॉसिंग कर रहा है, यहां पे बड़ा पोजीशन बन रहा है, याद रखना यहां पे बहुत बड़ा पोजीशन बन रहा है। अब बना दो पोजीशन यहां से लेके, 163 पॉइंट मिल गया ना आपको, यहां से 163 पॉइंट मिला, अब क्या चाहिए भाई बताओ। और जब ये क्रॉस कर जाए यहां पे तब पोजीशन बुक कर लो, ज्यादा सोचो नहीं, बहुत ज्यादा पचर पचर करोगे तो मामला नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे 163-150 पॉइंट मिल गया, बहुत हो गया यार, क्या करना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए कोई जाए ये नहीं, अब एक बार हो गया ना आपका बढ़िया पोजीशन हो गया, अभी फिर रिटेस्ट करे फिर यहाँ से बाइंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक साथ बाइंग आ रही है, यहाँ पे फिर दोनों एक साथ आए हैं ना, अच्छा पैसा बना होगा यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे 50 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे दोनों एक साथ क्रॉस किया है तो दो ट्रेड मिल गया, दिनों में दो ट्रेड मिल गया, बहुत हो गया यार, कितना ट्रेड करना आपको। चलो आओ एक दिन का और हम कर लेते हैं, बाकी आप करते रहना, हमारा जो मकसद था वो क्लियर है, वो क्लियर हो जाए बस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो मार्केट जिगजैग कर रहा है, इस रेंज में है, यहाँ पे बायर है ऊपर से ले रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो, दोनों को एक साथ क्रॉस करने दो 15 मिनट में। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये जिगजैग करेगा, एक बार ऐसा लोग ना बाकी चुपचाप रहो, क्योंकि अब मार्केट रेंज में फंस गया। अब यहाँ पे जब ये जो है रेंज, जब ये निकाला यहाँ पे ये एक बार गया क्रॉस नहीं कर पाया, सेलर ने दबा दिया, तो ये ट्रेंड लाइन बनने वाला है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी इंडिकेट कर देता है कि ये ट्रेंड लाइन बनेगा, ओके। एक बार सेलर गया फिर दबाया, फिर गया फिर दबाया, अब यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो, कहां तक के लिए, तो आप यहां तक के लिए शॉर्ट करो, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ टाइम पास किया, अब फिर देखना आप यहाँ पे ये 15 मिनट में यहां तक भी नहीं गया है, मतलब हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से थोड़ा पोजिशन और डाल दो, यहां तक आया और यहाँ पे देखना कि दोनों ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे ये क्रॉस करके अपने को पोजिशन बुक कर लेना है, और यहाँ पे देखना इस जगह पे जब ये क्रॉस किया ना, ये बस यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ रिटेस्ट कर रहा है, जब ये निकालेगा तो बहुत तेजी से निकालेगा और छोटा प्रॉफिट मिलेगा। और कई बार देखना आप कि ये वाला लाइन उतना भागे, रेड वाला लाइन और ग्रीन वाला लाइन बहुत तेजी से ऊपर चला गया, तो तुरंत पोजीशन जब यहाँ जाएगा तुरंत पोजीशन बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फिर पंप एंड डंप होने वाला है, ये भी आपको बता दिया यहीं से, क्योंकि ये वाला भागे उसके हिसाब से ये वाला भागा नहीं ना, और ये अपने आप भाग गया ऊपर, मतलब पंप हो गया और फिर डंप भी होगा यहीं पे, 100 पॉइंट मिला और फिर तुरंत ये डंप भी होगा। तो यहाँ पे देखो क्रॉसिंग पे आप नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों क्रॉसिंग एक साथ नहीं किया है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे जब आया ये नीचे से जब ऊपर एक साथ जब दोनों क्रॉसिंग किया, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, आपको एक ट्रेड मिल गया और आपको ये दूसरा ट्रेड मिल गया, दो ट्रेड बहुत है एक दिन में, अरे सही क्या सिस्टम, अगर दो ट्रेड एक दिन में दे दे रहा है तो इससे बढ़िया क्या होगा आप बताओ। ये भी बता देता है कि बैंक स्लो है या बैंक फास्ट है, ये भी क्लियर कर देता है। 20 तारीख का मार्केट सेलिंग आ गया, इंतजार करो,
अभी भी बाइंग नहीं आई है यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट में ये क्रॉस किया है लेकिन रिटेस्ट कर रहा है ये मार्केट। तो आज इस डेट में बाइंग स्लो रहेगा, ये क्या बता रहा है, इस डेट में बाइंग स्लो रहेगा, क्योंकि ये स्पष्ट बता रहा है कि 15 मिनट में कोई बड़े प्लेयर की एक्टिविटी नहीं है, छोटे छोटे प्लेयर है यहाँ पे, तो बाइंग स्लो ही रहेगी। अब यहाँ पे जब ये यहाँ टाइम पास करने के बाद जब यहाँ पे आया और यहां से जब ये रिटेस्ट किया है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट किया, अब यहाँ बड़ा प्लेयर आया है ये वाले कैंडल में, एक ही कैंडल में उसने खींच दिया है ये 67 पॉइंट का। तो हमें कहां ट्रेड बनेगा, हमारा ट्रेड यहां बनेगा, या फिर हमारा ट्रेड यहां बनेगा इस जगह पे, इस जगह पे ट्रेड बनेगा और यहां से आपको 100 पॉइंट मिल गया, बस बात खत्म। और अगर ये दोनों एक साथ क्रॉस किया हो तो एक साथ क्रॉस किया यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे हम, तो यहां से आपको फिर से 60 पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे भी ट्रेड यहाँ पे बनते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप इस जगह पे देखो ये क्रॉस हुआ, मार्केट नीचे आया, क्रॉस किया जब ये, और यहाँ पे देखो ये पहले से क्रॉस किया हुआ था, ये रिटेस्टिंग मान लो, और देखो कितना अच्छा शूट कर गया आपको। तो ऐसे ट्रेड बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, धन्यवाद।